चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। और दोस्तों आज भी आपके लिए गर्मा गर्म टेक खबरें लेके आए। आज दोस्तों सैटरडे, कल मैं आपसे नहीं मिलूंगा। अब हमारी डायरेक्ट टेक न्यूज आएगी मंडे को दोस्तों, और मंडे को हमारी काफी अच्छी टेक न्यूज आती है। और आज दोस्तों सैटरडे और आज थोड़ी सी कम टेक न्यूज है, लेकिन मैंने ट्राई किया है बहुत सारी खबर आपके लिए लाने की। सो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, तो बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। सो देन रुके क्यों है, चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों आज के दिन उसकी पहली खबर आ रही है वीवो की तरफ से, यानी कि आईकू की तरफ से। आईकू Z1 को 3C सर्टिफिकेशन मिल गया दोस्तों। और कल मैंने आपको बताया था कि आईकू Z1 में आपको Dimensity 1000 प्लस का प्रोसेसर मिलेगा। ये दोस्तों सच है, ये कंफर्म्ड है, और अब इसको 3C सर्टिफिकेशन भी मिल गया दोस्तों। और शायद दोस्तों इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिले, HDR10 प्लस का सपोर्ट हो और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट हो दोस्तों। सो आईकू Z1 काफी एक्साइटिंग फोन लग रहा है दोस्तों, और शायद दोस्तों ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। और इसमें आपको 44 वाट का फ्लैश चार्ज का सपोर्ट मिला, और 5G दोस्तों कंफर्म्ड है, 5G सपोर्ट होगा आईकू Z1 में। सो अब इसको मिल गया 3C सर्टिफिकेशन। और दोस्तों अगली खबर है LG की तरफ से, LG स्टाइलो 3 नहीं दोस्तों LG स्टाइलो 6 लीक हो गया है, और इसके रेंडर्स भी रिवील्ड हो गए हैं। सो इसमें आपको नॉच डिस्प्ले मिलेगा, ट्रिपल रेयर कैमराज होंगे दोस्तों इसमें, और इसमें आपको बैक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दोस्तों नहीं दिखेगा, और USB टाइप सी पोर्ट होगा, 3.5mm जैक भी होगा दोस्तों। और अभी तक इसके फुल स्पेक्स तो नहीं आया दोस्तों। सो इसमें आपको हमें ट्रिपल रेयर कैमराज मिलेंगे दोस्तों, और नॉच डिस्प्ले होगा। सो LG स्टाइलो 6 दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है, मैं आपको अभी इसके पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है LG स्टाइलो 6। अब ये देखिए दोस्तों, देख पा रहे दोस्तों। अगली खबर है वीवो की तरफ से, वीवो G1 5G इंट्रोड्यूस हो गया इन चाइना एज द इंटरप्राइज एडिशन ऑफ 6 और S6 का इंटरप्राइज एडिशन है दोस्तों। और इसमें आपको 6.44 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, एक्सिनोस 980 का चिपसेट है, क्वाड कैमराज है दोस्तों इसमें आपको, और 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 4500 mAh की बैटरी है दोस्तों, ड्यूअल मोड भी इसमें आपको मिलता है, 5G का सपोर्ट है, 5G कनेक्टिविटी मिलती है, और 8GB की रैम मिलती है, 120GB की स्टोरेज मिलती है, और उसकी प्राइस है CNY 3500। और इसमें आपको फन टच OS 10 मिलता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 दोस्तों। सो वीवो G1 दोस्तों, G1 5G इंट्रोड्यूस हो गए इन चाइना एज द इंटरप्राइज एडिशन ऑफ S6 5G। वैसे दोस्तों हमारी टेक न्यूज कैसी लग रही, अगर अच्छी लग रही है लाइक करना ना भूले, क्योंकि हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं दोस्तों। और लाइक टारगेट 10 लाइक्स, ठोक दो दोस्तों पूरा वो बटन को ही तोड़ दो, और प्लीज हमारे लाइक करना दोस्तों। अगली खुशखबरी आ रही है सैमसंग Xiaomi और ओप्पो की तरफ से, सैमसंग Xiaomi ओप्पो और वीवो सेट टू रीस्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जी दोस्तों ये जो चार ब्रांड है वो रीस्टार्ट कर रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। सो बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, अब इनके फोन्स लॉन्च होने लगेंगे ये इंडिया में भी। और दोस्तों LG Q7 लॉन्च हो गया, Q70 दोस्तों चाइना में लॉन्च हो गया, इसके यहाँ पर फुल स्पेक्स आ गए दोस्तों। सो LG Q70 में आपको मिलेगा एक 6.4 इंच का LCD डिस्प्ले, 32 मेगापिक्सल का मेन रेयर कैमरा होगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा, और एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, और LCD डिस्प्ले है, Snapdragon 675 का चिपसेट मिलेगा, 4GB की रैम होगी, और 64GB की आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन भी होगा, और 64GB की स्टोरेज होगी, Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा दोस्तों इस Verizon और में। और दोस्तों इसकी प्राइस भी काफी अच्छी रखी है, LG Q70 की प्राइस दोस्तों बहुत अच्छी है। दोस्तों अगली खबर है Redmi की तरफ से, Redmi Note 9 Pro Max के सेल्स बिगिन हो गए ऑन मे 12th इन इंडिया। जी दोस्तों इंडिया में इसके सेल्स बिगिन होने वाले हैं फ्रॉम मे 12th,
और दोस्तों Redmi Note 9 Pro Max की कुछ आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। सो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD स्क्रीन है और इसमें आपको कोई रिफ्रेश रेट यानी कि 90Hz या 120Hz रिफ्रेश रेट नहीं है, सिंपल 60Hz रिफ्रेश रेट है। 64MP का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है दोस्तों, और 5020mAh की बैटरी मिलती है, 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट मिलता है, नाविक मिलता है दोस्तों, और एंड्रॉयड 10 बेस्ड है ये, और MIUI 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और दोस्तों एंड्रॉयड 10 है, और इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। सो इसका जो 6GB 64GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है ₹16,499, आप यहाँ पे पिक्चर में देख ही सकते हो, और दोस्तों जो 6GB 128GB है उसकी प्राइस है ₹17,999, और दोस्तों जो 8GB 128GB वेरिएंट है उसकी प्राइस है ₹19,999, यानी कि 20,000 में आपको मिलता है दोस्तों Redmi का Note 9 Pro Max, और इसके सेल्स बिगिन होने वाला है ऑन May 12th इन इंडिया। सो आप May 12th के बाद इसको जाइए और बाय कर सकते हैं। दोस्तों अगली भी खबर है Redmi की तरफ से, Redmi 9 दोस्तों लिस्ट हो गया है ऑन चाइनीज वेबसाइट, दोस्तों ऑफिशियल साइट पे लिस्ट हो गया है, और शायद इसको 3C सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये लिस्ट हो गया 3C पे और विद 10W चार्जर। जी हाँ दोस्तों, अगर ये इंडिया में 10W के चार्जिंग के साथ Redmi 9 आता है तो दोस्तों क्लियर वियर डाउनग्रेड होने वाला है दोस्तों, क्योंकि Redmi 8 और Redmi 8A इन दोनों भी स्मार्टफोन में आपको 18W की अपर चार्जिंग मिलती है, और अगर इसमें आपको 10W की चार्जिंग मिले दोस्तों ये कम्प्लीटली डाउनग्रेड होगा। और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस आ गए, सो इसमें दोस्तों आपको 6.6 इंच की स्क्रीन मिलेगी Redmi 9 में, Helio G70 का प्रोसेसर मिलेगा, और एक मैसिव अपग्रेड होगा दोस्तों, क्योंकि Redmi 8 में आपको Snapdragon 439 था, इसमें आपको Helio G70 बहुत अच्छे स्कोर्स मिलेंगे दोस्तों, अंतुतु स्कोर्स काफ़ी सारे 200,000 से भी ऊपर के, और क्वाड कैमरा तो दोस्तों इसमें आपको मिलेगा, और 13MP का मेन कैमरा मिलेगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड मिलेगा, 5MP का मैक्रो मिलेगा, और 2MP का आपको डेप्थ सेंसर मिलेगा दोस्तों, और 4G फोन्स होंगे, आपको 5G का सपोर्ट तो दोस्तों नहीं मिलने वाला है, और शायद ये 10,000 या शायद 9-10,000 की प्राइस में अगर ये आता है, और अगर इसमें आपको 10W का चार्जिंग मिलेगा, सो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये ठीक ठाक फोन है। Realme की नार्जो 10A जो स्मार्टफोन है दोस्तों, वो भी अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाला है, और उसके स्पेक्स और इसके स्पेक्स हम कंपेयर दोस्तों जरूर करेंगे, एक डिटेल कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन पे हम बनाएंगे दोस्तों, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेकिन अगर ये 8,000 या 9,000 के बीच में आता है सो इट्स अ डिसेंट स्मार्टफोन। दोस्तों Vivo V19 इसकी हम कितनी बात कर रहे हैं, और ये लॉन्च डेट इसकी आ गई है दोस्तों, ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है May 12th, और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस और एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, लेकिन इसकी प्राइस हो सकती है टू बी अराउंड 25,000, सो बिटवीन 20,000 to 25,000 हो सकती है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि Vivo V19 की प्राइस इंडिया में कितने रुपीज से आ सकती है, बिटवीन 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और मोर। सो अब बात करते हैं इसके स्पेक्स की, सो Vivo V19 में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, Snapdragon 712 का चिपसेट है, 48MP का क्वाड कैमरा भी है दोस्तों, और इसमें आपको 6.44 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है दोस्तों, और इसमें आपको 48MP का क्वाड कैमरा मिलता है, 32MP का सेल्फी मिलता है, प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड, यानी कि सेल्फी में आपको ड्यूअल कैमरास मिलते हैं, सो टोटल इसमें आपको 6 कैमरास मिलते हैं दोस्तों, और 4500mAh की बैटरी मिलती है, 33W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, वीवो इसे फ्लैश चार्ज 2.0 कहता है, और एंड्रॉयड 10 मिलता है बेस्ड ऑन फन टच OS 10 आउट ऑफ द बॉक्स दोस्तों, और टाइप सी पोर्ट है, फिर 3.5mm जैक भी है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, और 4G का सपोर्ट करता है, 5G सपोर्ट नहीं है दोस्तों। सो Vivo V19 की लॉन्च इंडिया में सेट हो गई है फॉर May 12th। दोस्तों अगली खबर भी Vivo की तरफ से, Vivo X50 Lite ये स्मार्टफोन है, जल्दी इंडिया में शायद लॉन्च हो जाए, इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस गूगल कंसोल पे लीक हो गए। सो Vivo X50 Lite में आपको Snapdragon 665 चिपसेट मिलेगा, 8GB की रैम होगी दोस्तों, और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, एंड्रॉयड 10 होगा, और Snapdragon 665 का चिपसेट है, और इसके अभी तक फुल स्पेक्स तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको ऐसा कहा जा रहा है कि फुल HD डिस्प्ले मिलेगी दोस्तों।
सो वीवो X50 लाइट शायद जल्द चाइना में लॉन्च हो जाए, उसके बाद इंडिया में भी लॉन्च हो जाए दोस्तों। सो आप वीवो X50 लाइट के लिए जरूर से स्टे ट्यून्ड रहना दोस्तों। अगली खबर है वीवो की तरफ से। वीवो ने बीट कर दिया सैमसंग टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन सेलर इन इंडिया। दीजिए दोस्तों, अब वीवो है नंबर 2 पे और अब शाओमी नंबर 1 पे, वीवो नंबर 2 पे, सैमसंग दोस्तों नंबर 3 पे चला गया, फिर रियलमी नंबर 4 पे और ओप्पो नंबर 5 पे, और जो अदर्स है वो उनकी तो नंबर नहीं है दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों वीवो ने बीट कर दिया सैमसंग टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन सेलर इंडिया, और अभी भी दोस्तों शाओमी नंबर 1 पे। चलिए दोस्तों, टेक न्यूज होती है खत्म, और आज की टाइम आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड एंड फ्रेंड्स स्टे सेफ स्टे होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।